Subscribe to my channel, Essentials by Sara, and don't forget to hit that notification button so every time you will be notified. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Essentials by Sara. आप सब लोग खैरियत से होंगे उम्मीद करती हूँ और नया साल बहुत बहुत मुबारक हो. Happy New Year from my side to all my YouTube family. So, आज की वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. कुछ टाइम पहले मैंने पार्टी क्वीन का जो है आईब्राउ जो किट है वो यूज़ की थी अपने एक मेकअप ट्यूटोरियल में, तो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था. एंड ओवर द पैसेज ऑफ टाइम मैं यूज़ करती आ रही हूँ और ये किसी भी हाई एंड आईब्रो किट से इट्स नॉट लेस देन एनी आईब्रो किट, किसी से कम नहीं है. आप चाहें तो अफोर्डेबल रेंज में इसको ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी है. और आज मैं आपको आईब्राउ ट्यूटोरियल भी बताऊंगी कि जिनको नहीं पता अपनी आईब्रोज कैसे फिल करते हैं वो मेरे साथ साथ फिल कर सकते हैं. तो अभी तक यार अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो सब्सक्राइब माय चैनल. और अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव सपोर्ट. सो आप मुझे कंटिन्यूसली सपोर्ट करते रहिए और प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना, कॉमेंट करना और मुझे सजेशन अगर आप कोई देना चाहते हैं वो या कोई भी फीडबैक हो प्लीज़ डू लेट मी नो और मैं कमेंट सेक्शन आपको लाजमी बताना है. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट जम्प इन टू आर वीडियो. तो मैं आपको दिखाती हूँ पार्टी क्वीन, मैं इसका रिव्यू भी दे देती हूँ. तो इस तरीके से जो है ये पार्टी क्वीन का आईब्राउ टूल है. इसमें इसके पीछे बताया हुआ भी है कि किस किस तरीके से इसको यूज करना है. और ये किट 02 है, आप कहीं से भी बासानी ले सकते हैं. और जब मैंने लिया था एक आम लोकल शॉप से लिया था और उन्होंने मुझे बताया था कि आप इसको एज अ आई लाइनर भी यूज कर सकते हैं. इसके सारे इंग्रीडियंट्स भी लिखे हुए हैं. अगर आपको उसको जेल लाइनर बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा कोई भी जेल लाइनर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ वाटर या कोई भी सीलिंग जेल मिला सकते हैं. आईब्रो के लिए अच्छा है. और ये दो हेयर कलर्स पे है, मैं भी आपको ओपन करके दिखाऊंगी. हॉलीवुड सॉफ्ट एंड ड्रामेटिक लाइंस, इजी टू क्रिएट और इसमें तमाम इसके मेंशन है. पैकेजिंग इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है. तो आइए खोलते हैं. इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पे सब मेंशन है. किट नंबर 02 है, ब्राउ एंड आईलाइनर केक किट. और इस तरीके से ये ओपन होती है और इसमें तीन शेड्स हैं. लाइट ब्राउन का जो स्वॉच है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी. वो इस तरीके का बहुत ही लाइट है. और जो थोड़ा सा डार्क ब्राउन है वो इस तरीके का है. और जो ब्लैक है वो ये है. मतलब जो भी आपके आईब्राउज होते हैं आईब्राउ किट, वो बहुत ज़्यादा अगर पिगमेंटेड होगी तो आपके आईब्राउज को फिल होने में मसला होगा. तो आप कोई भी इसके साथ एक इसका छोटा सा स्पूली आया था वो आई गेस मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गया है. तो मैं ये ब्यूटीफाई बाय आमना का स्पूली और ये ब्रश है दोनों इसमें साथ हैं, ईजी रहता है तो ये ले रही हूँ. आप कोई सा भी ले सकते हैं. सबसे पहले आपको अपनी आईब्राउ को अच्छी तरीके से जहाँ से आपकी आईब्रो स्टार्ट हो रही है जो नेचुरल, उसको आप स्पूली की मदद से शेप दे लें जैसे कि मैं दे रही हूँ. और उसके बाद मैं ये सेकंड वाला कलर लेके इस पर लगाऊंगी अपने एंगल ब्रश पे. आप कोई सा भी एंगल ब्रश ले सकते हैं. सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लें जहाँ से आपको अपनी आईब्रो को करना है और फिर बाद में फिल करें. इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है. और उसके बाद आपको ऐसे वर्टिकली जैसे आपके बाल होते हैं आईब्रो के सीधा सीधा चलाना है. देन उसके बाद आपको इसमें फिल करनी है. और जैसे आपकी आईब्रोज आगे जाती जाएंगी आपको उसके अंदर डेप्थ देती है जानी है. मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक भी मिक्स कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा लाइट हो रहा है. तो मैं ब्लैक और ब्राउन दोनों को मिक्स करके लगाऊंगी क्योंकि पहले आप हल्का हाथ रखें फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएगा. अब आप देख रहे हैं कि ये लाइन जैसे ही मैंने ब्लैक भी मिक्स किया तो एक आपको एक विजिबल लाइन महसूस हुई है. अब इस तरीके से मैंने पहले यहाँ पे वर्टिकल किया, देन मैं अब उसको इसी एंगल ब्रश से फिल कर लूँगी जितनी मुझे अपनी थिक आईब्राउज रखनी है. अब आप एक डिफरेंस देख सकते हैं. देन उसके बाद अगर आपको लग गया कि अब आपका लग गया, विद इन सेकेंड ये लग जाएगा. और उसके बाद मैं अपना स्पूली से दोबारा कर लूँगी. अब आपको जो हल्का हल्का
लाइनें नज़र आ रही हैं, आप इसको इजीली कंसीलर की मदद से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ आप कैसे कंसीलर की मदद के अपने आईब्रोज को नीट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेबिन का कंसीलर लिया है, उसको मैं फ्लैट ब्रश की मदद से अपनी कार्व कर लूँगी अपनी आईब्रोज को, कि जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है, और आईब्रोज को एक नीट लुक देने के लिए इस तरीके से आप कोई सा भी फ्लैट ब्रश ले सकते हैं। ओके गाइस, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, मैंने अपने जो है इससे नीट भी कर लिया है अपनी आईब्रो को, और आप देख सकते हैं कि कितना विजिबल डिफरेंस है। आपकी आईब्रोज नेचुरल भी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, उसके साथ साथ आपकी आईब्रो में एक लुक आ गया। आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि कितना एक अच्छा इम्प्रेशन आ जाता है जब आप आईब्रो बना लेते हैं। इसी तरीके से दूसरी आईब्रो को भी डन करेंगे। सो मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूंगी अबाउट दिस आईब्रो। गाइस, तो मेरी आईब्रोज डन हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी नेचुरल है, सॉरी कितनी नेचुरल है। अच्छा, मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करूंगी। अगर आप किसी दूसरे कंपनी के लेते हैं तो जो उनका डार्क ब्राउन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड होता है, लेकिन इसके कलर्स एज यू कैन सी कि इतने पिगमेंटेड जो है वो नहीं है, जो कि अच्छी बात है बिगनर्स के लिए। आप इसका ब्लैक भी देखेंगे तो इसका ब्लैक भी इतना पिगमेंटेड नहीं है, तो एक जो इसका कॉन है कि थोड़ा सा पिगमेंट है, लेकिन ये अच्छी इसकी बात आ जाती है फॉर द बिगनर्स, क्योंकि आपके मेसअप होने के चांसेस कम होते हैं। तो आप इन दो शेड्स को मिला के लगा सकते हैं, ब्राउन और ब्लैक को। पहले आप चाहें तो जैसे मैंने किया था, डार्क ब्राउन से एक आउटलाइन बना लें, देन उसके बाद ब्राउन और ब्लैक को फिल करके अपनी आईब्रोज फिल कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। काफ़ी लोग समझते हैं कि ये जो पेंसिल से मुश्किल है, लेकिन बिलीव मी, इफ़ यू आर अ बिगनर देन यू शुड गेट दिस। आपको ये लेना चाहिए। क्यों इसलिए लेना चाहिए आपको, क्योंकि आपको इजीली ब्रश की मदद से ये लग जाएगा। इसके लिए आपको एक एंगल ब्रश चाहिए, इस तरीके का टेपर्ड एंगल ब्रश आपको चाहिए होता है, और उसके बाद एक स्पूली चाहिए ताकि जितना एक्सेस पाउडर लग गया डस्ट ऑफ कर जाए, सिंपल आप एक फ्लैट ब्रश से कार्व आउट कर लें अपनी आईब्रोज को। सो गाइज, ये था ट्यूटोरियल अबाउट दिस हॉलीवुड आईज पार्टी क्वीन आईब्रो किट। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू थम्स अप माई वीडियो, और कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, और जल्दी जल्दी आप लोग मुझे अपनी पिक्चर्स भी दिखा सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, कि आपकी अपनी आईब्रोज को कैसे फिलिंग अप किया विद दिस आईब्रो किट। तो मेरे इंस्टाग्राम को भी प्लीज जरूर फॉलो कीजिएगा, और इंशाल्लाह आई बी बैक सम अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।